नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। बीपीएससी टीआरई 3 में यानी कि अटेम्प्ट बढ़ जाए इसको लेकर, आयु में छूट मिले इसको लेकर, एस्टेट अपेयरिंग को मौका मिले और सारे अपेयरिंग वाले हैं उनको मौका मिले। रामान सर आज बोले थे कि 19 तारीख है, आज कुछ ना कुछ आएगा वहां से, या मैं जाऊंगा फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ सम्राट चौधरी से फिर से पिछला बार भी मिले थे, कई एक बार बातचीत हुआ, वहां से आश्वासन मिल रहा है क्या होगा। और आज आपको मालूम भी होगा कि आयोग में अभी तक आयोग के द्वारा रिक्ति नहीं दिया गया है, जिलावार टोटल रिक्ति नहीं भेजा गया है, शिक्षा विभाग के द्वारा ये भी जारी नहीं है, आवेदन थोड़ा सा कम गिर रहा है, क्या आवेदन का डेट बढ़ जाएगा, क्या होगा, इसको लेकर मीटिंग भी है। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज क्या होगा, आज आप मिलने वाले थे, क्या प्रोसेस? देखिए आज मेरी बात हुई सुबह सुभा, तो आज विधानसभा चल रहा है और फिर बजट पर अभिभाषण भी है कुछ, तो ऐसी परिस्थिति में और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो निसंदेह इस मीटिंग में चूंकि इम्तियाज करीमी साहब के परिवार में है, तो इम्तियाज करीमी साहब से भी हमारी बात हुई, बात होती है उनसे, तो उन्होंने कहा कि मीटिंग में बच्चों के हक में कुछ फैसला आना चाहिए, तो ये बच्चों के हक में फैसला जाएगा। लेकिन मैं सम्राट चौधरी सर हो, सुशील मोदी भैया हो या विजय सिन्हा हो, सबसे लगातार बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके दर्द को मैं समझ रहा हूँ। लेकिन एक दर्द मेरी भी आप लोग समझिए कि आप लोग जितने भी तमाम बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे पांच पांच 20-20 सेकंड का, 25-25 सेकंड का एक वीडियो बनाए कि आपकी क्या समस्या है, अटेम्प्ट की समस्या हो, आयु में छूट की बात हो, स्टेट अपेयरिंग की बात हो, वो समस्या का एक वीडियो बना के एकदम सकारात्मक, एकदम सही लहजे में, संस्कारवान लहजे में सकारात्मक आप लोग अपने अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इस सबको डालिए। अगर 1,00,000 लड़का भी अगर इस ऐसा कर दिया तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में फैसला जाएगा, ऐसा मुझे कहा गया है, तब मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप इसके लिए आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आप प्रयास कीजिए, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, ये बेचारे बार बार हमारे साथ भिड़े हुए हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं, तो पता चला कि विधानसभा चलने के बाद शाम को फिर उनसे बात होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तब तक आप लोग 20-20 सेकंड, 25-25 सेकंड का अपनी तमाम मांगों को इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर या आपको फेसबुक पर वो डालिए, सोशल मीडिया का जमाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिहार शिक्षक के लिए जो टीआरई 3.0 होने जा रहा है उसके लिए आपको बाइक देखने को मिल रहा होगा, 1-5 के लिए है, 6-8 का समाज विज्ञान है, 9-10 का समाज विज्ञान है, उसी तरीके से ये 6-8 का विज्ञान है, और ये हो गया 9-10 का विज्ञान है, तो और साथ समाज विज्ञान है, तो आप देख सकते हैं जितनी किताबें हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, दिसंबर तक जितने भी सारे प्रश्न पत्र है सारी सब में आपको देखने मिलेगा, प्लस जो सामग्री आपको चाहिए जिससे आपको सफलता मिलेगी, और इससे पहले भी बहुत लोगों को सफलता मिली है, इससे आपको फायदा हो सकता है, बिल्कुल आप इस बुक को देखिए और आप बिल्कुल इसको लेकर अपने टीआरई में बिल्कुल सफल होंगे। निश्चित रूप से प्रयास हम लोग कर रहे हैं, आप लोग का भी प्रयास हो जाएगा तो सोना पर सुहागा होगा और आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, मेरा भी रिक्वेस्ट यही होगा, चूंकि यूपी में जाइएगा एक सप्ताह में 2 पेपर आउट होता है और दोनों पेपर का जांच केवल सोशल मीडिया के कारण होता है, तो आप एस्टेट वाले हैं, चाहे अटेम्प्ट को बढ़ाया जाए ये है, या आयु में छूट मिले, या जो भी डिमांड है बीपीएससी टीआरई में जो सुधार हो, उसके लिए मात्र 20-30 सेकंड का एक छोटा सा अपना मांग रखिए, आप अपने से पोस्ट कीजिए, देखिए 1-1.5 लाख विद्यार्थी यदि ऐसा करते हैं तो उन सारे का डिमांड मांग लिया जाएगा। एस्टेट वाले परेशान है कि क्या लिखे, तो आज आप भी देखे होगा, आज मीटिंग है, देखिए मीटिंग में क्या होता है, चूंकि अभी कोई अध्यक्ष बने नहीं है, अतिरिक्त प्रभार में वो हैं, देख रहे हैं, देखिए क्या होगा। सर क्या उम्मीद है जिस तरीका से आप बातचीत कर रहे हैं सम्राट, तो जितना भी माननीय लोग हैं उन लोग के बात से लग रहा है कोई लोग सारे लोग बच्चों के पक्ष में है, और इम्तियाज करीमी साहब जो अभी प्रभार में है तो उनके पास पूरी शक्ति तो है नहीं, लेकिन अध्यक्ष जो बनने जा रहे हैं वो एक विशुद्ध ईमानदार व्यक्ति है, तो मुझे लग रहा है कि बच्चों के पक्ष में फैसला जाएगा, लेकिन बच्चे भी थोड़ा साथ दें, केवल हम लोग पर मत छोड़ दें, क्योंकि मैं हूँ क्या, एक मामूली शिक्षक हूँ और एक बेचारे यूट्यूबर है, तो हम लोग प्रयास लाख कर रहे हैं, हम लोग प्रयास जम के करेंगे, उस समय तक करेंगे जब तक सांस रहेगी, आप लोग भी भाई सोशल मीडिया वाला काम कीजिए, और ये ना हिंसा की बात होगी ना रोड उतरने की बात होगी, पढ़ते रहिए 2 मिनट समय, आप पढ़ते रहिए, केवल 2 मिनट समय दे दीजिए, निश्चित रूप से आपके पक्ष में फैसला जाएगा। अगर बच्चे सर आपको 2 मिनट समय देते हैं अपने रूम से, जो एस्टेट वाले हैं, बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, या अटेम्प्ट वाले हैं, या कुछ भी उनका डिमांड है, आयु में छूट मिले, ये सब तो हो सकता है, एक लाख बच्चे अगर अपना केवल 2-2 मिनट समय दे दे, तो मैं सीना ठोक के कहता हूं कि इनकी सारी डिमांड को पूरा करवा दूंगा, मात्र दो मिनट यानी 2 मिनट आपको समय देता है, सो 2 मिनट समय दे, ये बोले कि क्या क्या उनकी समस्या है, वे अपना इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सब जगह ये डाले, निश्चित व्हाट्सएप पर वायरल करें, निश्चित रूप से सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, अहिंसात्मक आंदोलन के बल पर सारा चीज हो जाएगा
और माननीयों के पास तो बात पहुंच ही गया है, अध्यक्ष महोदय के पास भी बात पहुंच जाएगी और आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। सर, जो विद्यार्थी जैसे 243 विधानसभा से कहीं ना कहीं से सभी विद्यार्थी होंगे, सभी प्रताड़ित हैं, कहीं ना कहीं शोषित हैं, दिक्कत हो रहा है, तो क्या वो आपने विधायक तक भी आवाज पहुंचा? हम विधायक तक कुछ बच्चे आवाज पहुंचा रहे हैं, तो ये आवाज उसी वक्त जाएगा, कई बच्चे पटना में भी रह रहे हैं, तो जब वो डायरेक्ट ग्रुप में शेयर करें, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आपको इंस्टाग्राम पर डालें, ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पर डालें, सोशल मीडिया का जमाना है, मैं आपके साथ हूँ, ये आपके साथ हैं, हम सारे लोग आपके साथ हैं, माननीयों से हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपकी समस्या का निराकरण होगा, 2 मिनट आप दो, हम आपकी हर मांग को पूरा करवाएंगे, मेरा वादा है।